नैनीताल में हनुमानगढ़ मंदिर परिसर में बने पार्क में आज पौधारोपण किया गया। मंडलायुक्त अरविंद सिंह हैकी और जिलाधिकारी धीरा सिंह गबरियाल ने 1 से 7 जुलाई तक चल रहे वन महोत्सव में भाग लेते हुए संयुक्त रूप से पौधारोपण किया। आयुक्त ने कहा कि हरेला महोत्सव पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन कुमाऊं मंडल के प्रत्येक जिलों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में कोविड-19 संबंधित दिशा निर्देशों का भी अनुपालन किया जाए। उन्होंने कहा कि पौधारोपण कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ ही क्षेत्रीय जनता की भी अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित की जाए। कहा कि जलीय क्षेत्रों, तालाब, चाल खाल, नदियों आदि के किनारे पौधारोपण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा ऐसे भूस्खलन वाले क्षेत्र जहां पौधारोपण किया जाना संभव हो, उन स्थानों पर भूस्खलन रोकने में सहायक पौधों का रोपण किया जाए। जीव जंतु एवं मानव की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए फलदार, चौड़ी, पत्तीदार एवं जानवरों के चारे वाले पौधों का मुख्य रूप से रोपित किया जाए। जिलाधिकारी धीराज सिंह गबरियाल ने पौधारोपण कार्यक्रम को और व्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित करने के निर्देश देते हुए कहा कि लगाए जाने वाले पौधों की देखरेख हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने कहा हरेला महोत्सव पर जनपद में 1.5 लाख विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जाएगा। इस अवसर पर SSP प्रीति प्रियदर्शिनी, वन संरक्षण दक्षिण कुमाऊं कुबेर सिंह बिस्त, प्रभागीय वनाधिकारी TR बिजूलाल, रेंजर प्रमोद तिवारी, ममता चंद्र, तनुजा परिहार, सोनल पनेरू सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। हमारा वन महोत्सव 1 तारीख से शुरू हो गया है सर, 1 से 7 साल तक, और पूरा डिस्ट्रिक्ट में, नंदर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे नोडल ऑफिसर इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो हर जगह शुरू हो गया। और हमारा इस साल प्लांटेशन का टारगेट 17 लाख है, डिपार्टमेंटल टारगेट 17 लाख का पौधा है। और हमारा नैनीताल फॉरेस्ट डिविजन में 200 किलोमीटर का रोड से प्लांटेशन टारगेट भी है कैम्बा में, तो उसमें हमने पीपल का 5000 पेड़ लगा रहे हैं वो ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। और उसके अलावा हम खूबसूरत फ्लावरिंग वैरायटीज, तो ब्यूटिफिकेशन ऑफ नैनीताल वो लगा रहे हैं, तो डेली हर जगह हर रेंजेस में प्लांटेशन एक्टिविटीज होते जा रहे हैं और ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है। सो अभी प्रोग्रेस ऑलमोस्ट 70-80% आ गया पूरा नैनीताल। नैनीताल में 7 डिविजन्स है, 7 डिविजन्स में भी ऑलमोस्ट 70-80% अचीवमेंट आ गया। सर इसके रोकथाम के लिए क्या रहेगा, इसकी सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम रहेगा? हमारा ये रोड साइड प्लांटेशन में हमको ट्री गार्ड का भी पैसा मिल गया, और ट्री गार्ड इसके लेके, और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम हल्द्वानी नर्सरी से और बहुत 6 फुट वाला पौधा आप लोगों को अभी देखने के लिए मिलेगा कि रोड साइड में, रोड साइड पर ऑलमोस्ट फ्लावरिंग वैराइटीज कर रहे हैं तो खूबसूरती के लिए, और उसका प्रोटेक्शन के लिए कल हम प्रधान के लोग नाम से और नेम प्लेट्स वगैरह और सरपंच लोग का, तो उनको इम्पोर्टेंस मिलने के बाद फिर वो अपने आप गांव वाला उसको प्रोटेक्ट करना है। कि जब से हमने देखा होगा, हम आप लोगों ने भी महसूस किया भाई, जितने भी सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं वही नैनीताल हम लोग देखते हैं, कोई इसमें कोई चेंजेस हम लोगों ने किए नहीं है, चाहे मार्केट्स हों, रिक्शा स्टैंड्स हों, चाहे रामलीला ग्राउंड हों, जो OATs वगैरह हम लोग बना रहे हैं, या मलिताल रिक्शा स्टैंड में जो जाम की स्थिति आ रही है, तो वहाँ पे फुट ब्रिज की स्थिति नहीं है। तो ऐसे ही हम लोगों ने पूरे शहर के लिए हम लोगों ने एक प्लानिंग हम लोगों ने की है, और जो प्लानिंग हम लोगों ने की है उसको हम लोगों ने मूर्त रूप भी एक देना शुरू कर दिया। तो हम लोग चाह रहे हैं कि नैनीताल में जितना भी हम रिनोवेशन या रेस्टोरेशन का काम करें उसमें हमारे कुमाऊँ की एक संस्कृति, उसकी एक झलक भी दिखे। इसलिए देखेंगे आप रिक्शा स्टैंड में जो हमारा काम हो रहा है वो पूरा पारंपरिक शैली में बन रहा है, स्टोन्स के दीवारें आ रहे हैं, आर्चेज नक्काशीदार हमारे आर्चेज, वो जिसको आप बोलते हैं तिवारी बोलते हैं, तो वो बन के आ रहे हैं। जो फुट ब्रिज हमारा वहीं पर बनेगा, पूरा लकड़ी का होगा, पटाल के उसके वो छत बनेंगे। तो ऐसी जितने भी मार्केट हम लोग बनाएंगे उसमें जितने भी फसाद होगा उसका फ्रंट पार्ट सब एक सा होगा, जिसमें स्टोन की झलक आपके दिखेगी अल्मोड़ा के स्टोन की। तो हम लोगों ने जो प्लान किया है तो उसको अब धीरे धीरे बजट की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्लान का पैसा भी हम लोग लगा रहे हैं, लेक डेवलपमेंट अथॉरिटी का पैसा हम लोग लगा रहे हैं, कमिश्नर साहब ने इसमें बहुत सहयोग किया है, और साथ ही साथ जितनी धनराशि हम राज्य सेक्टर से हम लोग खींच सकते हैं उससे भी हम पैसा ले रहे हैं, और इवन खनिज न्यास का पैसा भी हम लोग लगा रहे हैं। तो ये लगभग कम से कम हमारा मिनिमम 30-40 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, इसको हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है और स्टार्ट उसमें काम भी शुरू कर दिया।
देखिए, वृक्षारोपण का मेन मकसद न सिर्फ हरियाली लाना है, बल्कि जैसे आपने खुद भी कहा, हम उसके माध्यम से जहाँ तक वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं, क्लाइमेट में जो चेंजेज आ रहे हैं उनके संतुलन की बात करते हैं, वहीं एट द सेम टाइम चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, उनके लिए भी कहीं ना कहीं खाने पीने के बंदोबस्त करते हैं। तो ये एक अच्छा संकेत, अच्छा मैसेज देने की कोशिश है कि वन महोत्सव के माध्यम से हम इसको जन जन का अभियान बनाएं। आज यहाँ पे हो रहा है, ऐसे ही सिक्वेंस में कई जगह पे हो रहे हैं, और अभी आगे आने वाले हरियाला पर्व पे कई, मैंने सारे डिस्ट्रिक्ट के साथ अभी दो दिन पहले भी मीटिंग करी है उनकी प्रिपेयरनेस देखने के लिए। तो DMs और DFOs मैक्सिमम प्लांटेशन जो इस सीज़न में होना चाहिए था सालाना, उसका मैक्सिमम प्लांटेशन अब हरियाला के दिन करने का भी कोशिश हो रही है। और नैनीताल के आसपास ऐसे ज्वलंत उदाहरण हैं, चाहे आप किलवरी साइड चले जाइए, जहाँ पहले जो छोटे मोटे नाला हुआ करता था, जहाँ कम पानी हुआ करता था, वहाँ चेक डैम बना के, वहाँ वाटर कंजर्वेशन की कुछ स्ट्रक्चर्स बना के एक अच्छा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। वहाँ एक वॉचर्स आते हैं, बर्ड वॉचर्स, उनके लिए भी एक ऐसा डेस्टिनेशन बन गया है जिससे हमारे लोकल इकोनॉमी, लोकल जो लोग कारोबार करने वाले लोग हैं, चाहे वो टूरिस्ट गाइड हैं चाहे बाकी कारोबारी हैं, उनको भी इससे फ़ायदा होने जा रहा है। सिमिलरली प्लांटेशन, जैसे हम लोग अभी सूखा ताल का प्रोजेक्ट अभी काम कर रहे हैं, वहाँ भी हम एक बहुत साइंटिफिक तरीके से जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट भी करें और जो उसका पर्पज़ है वाटर कंजर्वेशन का, रिचार्ज कराने का, उसमें भी प्लांटेशन कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, अभी हम लोगों ने डिस्कशन भी किया है, उस पर भी बृहद स्तर है जहाँ जहाँ पे ऐसी संभावनाएं हैं जो प्लांटेशन के माध्यम से न सिर्फ हम क्लाइमेट को ठीक कर सकते हैं, खूबसूरती बढ़ा सकते हैं, वहीं वहाँ हम वाटर रिसोर्स वगैरह को रीजनरेट करने की भी कोशिश